हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम बैक अगेन टू ME5। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द करियर प्रोस्पेक्ट्स इन इकोनॉमिक्स। जी हाँ दोस्तों, तो क्या क्या इसका जॉब स्कोप रहेगा इफ़ यू टेकन इकोनॉमिक्स, अगर आप अपने ग्रेजुएशन में लेते हैं तो उसकी स्कोप फॉर सैलरी, प्लेसमेंट, क्या क्या आपको अपॉर्चुनिटीज रहेंगी इन वेरियस सेक्टर्स लाइक बैंकिंग, स्टॉक मार्केट, इंश्योरेंस, इस सारा कुछ मैं आपको इस लेक्चर में बताने वाला हूँ। क्योंकि कई सारे बच्चे जो है आजकल मैं देख रहा हूँ कि हमारे एरिया में ही वो अपना ग्रेजुएशन जो है BSc इकोनॉमिक्स में कर रहे हैं दोस्तों, तो उसी का मैं एग्जांपल बना के आज आपको समझाऊंगा कि करियर प्रॉस्पेक्ट्स एंड जॉब स्कोप किस तरह से रहेगा BSc इकोनॉमिक्स में। क्योंकि कई सारे लोग अपने इंटरेस्ट दिखा रहे हैं स्टॉक मार्केट की तरफ, राइट, ये जो क्रिप्टो करेंसी जो आ गया है, नया कुछ इंट्रोड्यूस हुआ है, कई सारे लोग उसके तरफ जा रहे हैं, स्टॉक मार्केट ब्रोकर्स बन रहे हैं, राइट, बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में, फाइनेंस में अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज इस पे लेक्चर बनाया जाए। तो चलिए इसके जॉब स्कोप के बारे में आज हम बात करते हैं दोस्तों। तो एज़ यूजुअल लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। जैसा हर लेक्चर में मैं आपको बेसिक्स से ही बताता हूँ, तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लूँगा BSc इकोनॉमिक्स का दोस्तों, क्योंकि उसके ज़रिए से आपको समझ में आएगा कि इकोनॉमिक्स में कितना स्कोप है, राइट। तो यहाँ पर जो भी ग्रेजुएट्स एस्पिरेंट्स हैं, जो चाहते हैं कि अपना करियर इकोनॉमिक्स में बनाएं, तो उनके लिए प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है इन बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनीज, ठीक है। सो जो भी एस्पिरेंट्स अपना BSc ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, तो उनका जो स्कोप है नॉट ओनली इन इंडिया, बट कई सारे ऐसे कंपनीज़ हैं जो बाहर के हैं, जो अब्रॉड कंपनीज, वो भी आपको इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो पहले जॉब्स की बात करें, क्या क्या जॉब्स रहते हैं इसमें। सो असिस्टेंट ऑडिटर की जरा आप काम कर सकते हैं, जूनियर इकोनॉमिस्ट, असिस्टेंट इकोनॉमिस्ट, राइट, और जूनियर ऑफिसर की तरह भी आप काम कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि क्या होता है, कई सारे गवर्नमेंट सेक्टर स्पेशलाइजेशन जॉब्स निकालते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, जैसे बैंकिंग मान लीजिए आप, नाबार्ड हो गया, SIDBI हो गया, राइट। तो ये लोग अपने वैकेंसीज को फिलअप करने के लिए स्पेशलाइजेशन जॉब्स निकालते हैं, उसमें इकोनॉमिस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस सेक्टर में आप इसमें ट्राई कर सकते हैं, एंड और उसके बाद आपका प्रमोशन हो सकता है डिप्यूटी डायरेक्टर में, सीनियर इकोनॉमिस्ट में, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में आप जा सकते हैं, IAS ऑफिसर कैडर, राइट। UPSC भी कंडक्ट करवाता है ये इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के एग्ज़ाम्स, राइट। तो यहाँ पे अगर आपने अच्छा अपना टैलेंट दिखाया, आपने कुछ अच्छा नया करके दिखाया, देन यू विल ऑल्सो एंटर इन टू द पॉलिसी मेकिंग ऑफ द कंट्री। बताया आपको, RBI में भी आप जा सकते हैं, यू कैन ऑल्सो गो इन टू द डेवलपमेंट सेक्टर्स और थिंक टैंक्स, जैसे नीति आयोग हो गया। अभी देखिए कितने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ पे अपना करियर आप सेफ कर सकते हैं, राइट। सो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, फाइनेंस में जा सकते हैं आप। और सैलरी और पैकेजेस की बात करें, तो सिर्फ बेसिक अकाउंटेंट की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आपको अच्छी कंपनी में एज अकाउंटेंट भी अगर मिल जाए तो 5 लाख पर आनम स्टार्टिंग रहेगी। बैंकर को 7 लाख रहेगा, ऑडिट ऑफिसर को 12 लाख पर आनम रहेगा, प्रोफेसर को 6 लाख पर आनम रहेगा दोस्तों सैलरी, राइट। एंड इसके अलावा भी कई सारे गवर्नमेंट जॉब्स है फॉर BSc इकोनॉमिक एक्सपीरियंस, UPSC कंडक्ट करवाता है हमारा इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, राइट। और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट आपने सुना होगा, जो सीनियर ऑफिसर के लिए अपना एग्जाम कंडक्ट करवाता है, उनकी सैलरी होती है 11 लाख पर आना। देखिए कितने बड़े बड़े पैकेजेस ये लोग ऑफर कर रहे हैं आपको, राइट। और अपने अपने स्टेट के हिसाब से भी पब्लिक सर्विस कमीशन जो होते हैं, ऑडिट ऑफिसर की ज़रूरत पड़ती है उनको, तो वो भी एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, उनकी भी सैलरी 8 to 9 lakhs पर आना होती है दोस्तों। और इसके अलावा भी प्राइवेट जॉब्स हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जैसे कि IOB, IMA इंडिया हो गया, या फिर कोटैक महिंद्रा बैंक, जूनियर इकोनॉमिस्ट, ये सारे छोटे एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा भी ICICI, HDFC बैंक टाइम टू टाइम अपने वैकेंसीज को निकालते रहते हैं। तो यू हैव ए प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ दोस्तों, यू विल बिकम एज अ डाटा एनालिसिस्ट, फाइनेंशियल प्लानर, अकाउंटेंट, इकोनॉमिक रिसर्च, कुछ भी हो आप इसमें परस्यू कर सकते हैं, राइट। और इसके अलावा अब्रॉड की मैंने बात की थी, आपको पता है स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिस्ट के लिए हायर पैकेजेस देकर बुलाया जा रहा है फ्रॉम अब्रॉड। तो ऐसे कौन से कंपनी से जो इनको हायर कर रहे हैं, तो पहला जो हो गया माइक्रोसॉफ्ट, पैंडोरा, राइट, एंड नेटफ्लिक्स जब हम देखते हैं ना, तो उसमें भी आप जॉब करने की कोशिश कर सकते हैं। और कई सारे ऐसे कंट्रीज हैं जैसे कि USA, कैनेडा, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यहाँ पर भी आप काम करने का मौका और फ़ायदा ले सकते हैं दोस्तों, राइट। सो दिस इज़ अबाउट द सम बेसिक पार्ट्स ऑफ द BSc इकोनॉमिक्स के बारे में मैंने आपको बताया है।
कि किस तरह से, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ, तो 12th तो आपको पास होना ही है विथ मोर देन 60%, याद रख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा परसेंटेज हाई है, 60% से ज़्यादा आपको रखना पड़ेगा। और उसके अलावा जब आप ग्रेजुएशन करेंगे ना बीएस इकोनॉमिक्स के, जो 3 साल का कोर्स होता है या फिर 4 ईयर्स का कोर्स होता है, तो उसके करने के बाद आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं दोस्तों। क्योंकि ये जॉब ऐसी जॉब है, हाईली रेपुटेड जॉब है यहाँ पे, क्योंकि यू नो आपको रिसर्च भी करना पड़ता है, रिसर्च एनालिसिस भी करनी पड़ती है यहाँ पे, तो इसके लिए इन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा है ग्रेजुएशन का दोस्तों। यहाँ पे कोई डिप्लोमा कोर्सेस नहीं है, आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा तभी जाके आप इस यू नो कई इस सेक्टर में आप अपने जॉब को परस्यू कर सकते हैं। एंड जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर्स देखे थे वहाँ पे 12th के बाद कई सारे डिप्लोमा कोर्सेज भी थे, राइट? तो डिप्लोमा कोर्सेज करके भी आप डायरेक्टली इस फील्ड में एंटर हो सकते थे, बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, बट वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी चैलेंजिंग। अगर आपको चैलेंज लेना पसंद है लाइफ में और आपकी लाइफ करियर को सिक्योर करना चाहते हैं, देन दिस इज़ अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी, यू कैन गो फॉर बीएस इकोनॉमिक्स। और इसका स्कोप भी बहुत ही अच्छा है और इसका फ्यूचर जो है बहुत ही ब्राइट है, क्योंकि ये जो मार्केट है, जो फाइनेंस सेक्टर है, जो बैंकिंग है, वो कभी बंद होने वाला नहीं है दोस्तों। उसका डिमांड जो है कब कम नहीं होने वाला, हाँ ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है, बट ये लॉन्ग रनिंग करियर है दोस्तों। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर।